सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ईवी लुकास के ऐसे के बारे में जिसका नाम है थर्ड थॉट्स। और जो ऐसे है ये ऐसे कम और शॉर्ट स्टोरी ज़्यादा लगता है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए किस बात की देरी है, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो इस ऐसे की शुरुआत होती है राइटर से। राइटर बताते हैं कि मेरा एक फ्रेंड था जो कि एक बिजनेसमैन था। अब उसको बिजनेसमैन कहना ना बिजनेसमैन की बेइज्जती है, क्योंकि वो एक ऐसा बिजनेसमैन था जिसे कभी भी अपने बिजनेस के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। इनफैक्ट प्रॉफिट कमाना तो दूर की बात है, जितने पैसे वो बिजनेस में लगाता था उतने पैसे वापस आ जाए वो बहुत बड़ी बात होती थी। अब एक बार क्या होता है, वो एक मार्केट से गुजर रहा था कि तभी उसका ध्यान एक दुकान पे पड़ता है। उस दुकान पर एक पेंटिंग रखी हुई थी, वाटर कलर से बनी हुई पेंटिंग थी। तो जैसे ही ये बिजनेसमैन फ्रेंड उस पेंटिंग को देखता है, इसे लगता है कि इतनी अच्छी पेंटिंग इस छोटी सी दुकान पे, मुझे तो लगता है ये पेंटिंग टर्नर की है, टर्नर ने इस पेंटिंग को बनाया है। अब आप कहेंगे कि टर्नर कौन है, तो JW टर्नर। टर्नर एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा पेंटर था जिसकी पेंटिंग्स की कीमत लाखों में होती थी। वो एक्सपेंसिव पेंटिंग्स बनाने के लिए जाना जाता था। तो यहाँ पर जो हमारे बिजनेसमैन फ्रेंड हैं उनको लगता है कि ये पेंटिंग तो भाई टर्नर ने बनाई है, इतनी खूबसूरत पेंटिंग उसके अलावा कोई नहीं बना सकता। तो वो सोचता है कि अगर मैं इस पेंटिंग को खरीद लूँ और अगर मैं इस पेंटिंग को बेचूँ तो मेरे पास तो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो वो क्या करता है, उस शॉपकीपर के पास जाता है और उसे पूछता है कि भाई साहब क्या ये पेंटिंग टर्नर की है, क्या इस पेंटिंग को टर्नर ने बनाया है। तो वो शॉपकीपर कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये पेंटिंग टर्नर ने बनाई है या नहीं बनाई है, शायद टर्नर की हो भी सकती है और शायद ना हो, लेकिन अगर आपको ये पेंटिंग लेनी है तो इसके लिए आपको 10 शिलिंग देने पड़ेंगे। अगर आप 10 शिलिंग दे देते हैं तो मैं ये पेंटिंग आपको बेच दूंगा। तो यहाँ पर जो राइटर का फ्रेंड है वो सोचता है कि 10 शिलिंग इतनी भी ज़्यादा अमाउंट तो नहीं है, वैसे भी मैंने इतना ज़्यादा लॉस तो कर ही लिया है अपने बिजनेस में, एक लॉस और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो वो क्या करता है, उस दुकानदार से बोलता है कि ऐसा कीजिए आप मुझे ये पेंटिंग दे दीजिए। अब दुकानदार बोलता है कि भाई ये जो पेंटिंग है ये आप अपने रिस्क पे लेके जा रहे हो, मैं जो है ये पेंटिंग वापस नहीं लूँगा, कभी भी मैं अपना बिका हुआ माल वापस नहीं लेता। तो अगर आपको ये पेंटिंग खरीदनी है तो पैसे दीजिए और ले जाइए, लेकिन मैं वापस नहीं लूँगा अगर आप लेकर के आओगे तो। यहाँ पर ये जो हमारे बिजनेसमैन फ्रेंड है वो बोलते हैं कि ठीक है आप दे दीजिए, मैं नहीं लेकर के आऊँगा। अब यहाँ पर इसके दिमाग में चल रहा था कि वैसे भी मुझे 2-3 दिन में तो लंदन जाना ही है, मैं क्या करूँगा, वहाँ पर चेक करवा लूँगा कि ये पेंटिंग टर्नर की है या नहीं है। अगर टर्नर की हुई तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, और अगर नहीं हुई तो 10 शिलिंग ही तो गए हैं पेंटिंग के, क्या ही फर्क पड़ता है। तो वो क्या करता है, जैसे ही वो लंदन जाता है तो वहाँ पर वो चेक करवाता है, तो पेंटिंग तो भाई टर्नर की ही थी। अब जो है उसे एक खरीदार मिलता है, तो खरीदार जो है उसे बोलता है कि भाई साहब क्या आपको ये पेंटिंग बेचनी है। तो यहाँ पर बिजनेसमैन बोलता है कि हाँ हाँ मुझे तो बेचनी है, आप बताइए क्या रेट है इसकी। तो यहाँ पर वो जो खरीदार है वो बोलता है कि मैं इस पेंटिंग के आपको पूरे 50 पाउंड दूंगा, यानी कि 50 पाउंड अगर आपको बेचना है तो बताइए। तो यहाँ पर बिजनेसमैन की आंखें चुंधा जाती हैं, वो कहता है कि 50 पाउंड इस पेंटिंग के, मैंने तो इसे 10 शिलिंग में खरीदा था। अभी ये वो चीज़ें जो है उस खरीदार को नहीं बता रहा, अपने मन में सोच रहा है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है आप ऐसा कीजिए 50 पाउंड दीजिए और ले जाइए। तो वो 50 पाउंड में उस पेंटिंग को बेच देता है। अब यहाँ पर उसने पेंटिंग 10 शिलिंग में खरीदी थी और उससे 50 पाउंड मिले थे, लगभग उसे 50 गुना प्रॉफिट हुआ था, और ये पहली बार हुआ था उसकी ज़िंदगी में। तो वो सोचता है कि भाई अब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ऐसा कह करके वो क्या करता है, 50 पाउंड जो है अपनी जेब में डालता है और होटल में रुक जाता है। अब होटल में आने के बाद में वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैंने इतना पैसा कमा लिया है इस पेंटिंग से, वैसे भी मैंने ये 10 शिलिंग में खरीदी थी, 50 गुना प्रॉफिट हो गया है मुझे, तो इस प्रॉफिट में आधा हक उस दुकानदार का भी है। वो दुकानदार कितना बूढ़ा था, कितना ओल्ड मैन था, और कितना पोलाइट वे में मुझसे बात कर रहा था, कितने ढंग से उसने मेरे से बात करी, तो इसमें आधा हक जो है उस दुकानदार का भी बनता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मेरे प्रॉफिट का आधा पैसा मैं उस दुकानदार को दे दूँ, यानी कि मुझे 50 गुना जो है प्रॉफिट हुआ है उसमें से आधा पैसा मैं उसको दे देता हूँ। तो वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है, वो जो राइटर का बेस्ट फ्रेंड था वो लेटर लिखता है उस दुकानदार को। उस लेटर में वो लिखता है कि जो पेंटिंग मैंने आपसे खरीदी थी 10 शिलिंग में, वाटर कलर वाली पेंटिंग, वो सच्ची में टर्नर की पेंटिंग थी, और इसको जब मैंने बेचा तो मुझे 50 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। अब इस प्रॉफिट का आधा हिस्सा मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये आधा हिस्सा जो है आपका है, आपकी मेहनत है, ऐसा कहकर के जो वो क्या करता है, प्रॉफिट में से आधा हिस्सा उस लेटर के साथ में रख देता है। लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या ही चलता है, वो उस लेटर को पोस्ट नहीं करता, यानी कि उस लेटर को भेजता नहीं है उस दुकानदार को, उसको अपने पास ही रख लेता है। फिर लेटर को अपने पास रखने के बाद में वो सो जाता है, रात हो चुकी थी तो सो जाता है। अब 3:30 बजे रात को, करीब 3:30 बजे उसकी नींद खुलती है, और जैसे ही वो उठता है तो वो पुरानी बातें याद करता है। वो सोचता है कि कैसे इतने सारे बिजनेस में उसे लॉस हुआ था,
और ये पहला बिजनेस है जिसमें उसने प्रॉफिट कमाया है, और वो भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट। और जब उसने इतना प्रॉफिट कमा लिया है तो ये प्रॉफिट का आधा हिस्सा वो उस दुकानदार को क्यों दे? वैसे भी उस दुकानदार का इस हिस्से में कोई जो है मेहनत नहीं है, दुकानदार ने तो उसे पेंटिंग बेच दी थी, तो अब जितना भी हक जो है इस प्रॉफिट में बनता है वो सारा का सारा इसका है, तो दुकानदार को क्यों ही देना है? फिर वो सोचता है कि दुकानदार थोड़ा सा बूढ़ा है, तो ऐसा करता हूँ कि 10 पाउंड उसे दे देता हूँ, बाकी का मैं ही रखूँगा। फिर थोड़ी देर बाद में वो क्या करता है, थोड़ी देर तो वो जो है ऐसे ही सोच करके कि 10 पाउंड उसको दे दूंगा, ऐसे सोच करके वो वापस से बिस्तर पे लेट जाता है और एक नॉवल उसके पास में पड़ी हुई थी शॉर्ट स्टोरीज की, उसको पढ़ने लग जाता है। थोड़ी देर नॉवल पढ़ता है, फिर से उसके दिमाग में तो वही बात चल रही थी कि अब भाई 10 पाउंड भी क्यों दूँ मैं उस इंसान को, उस इंसान ने ऐसा क्या ही कर दिया कि उसे मैं 10 पाउंड दूँ, मैं तो ऐसा करूँगा उसे सिर्फ 5 ही पाउंड दूंगा। और वैसे भी दुनिया में कितने सारे बड़े आदमी हैं, कितने अमीर आदमी हैं। अब यहाँ पर वो 2-3 एग्जांपल भी देता है, वो बोलता है कि रॉकफेलर इतनी फेमस फैमिली है, इतनी अमीर फैमिली है, दूसरी नाम देता है वो अंडरबिल्ट्स भी कितनी फेमस फैमिली है, कितनी अमीर फैमिली है, इनके पास कितना पैसा है और इन्हें तो दिन में पता नहीं कितना प्रॉफिट होता है, अगर ये ऐसे लुटाने लग जाए तो ये तो गरीब हो जाए, तो ये तो कितना सारा प्रॉफिट गबन करके बैठे हैं, और यहाँ पर तो मुझे सिर्फ 50 गुना प्रॉफिट हुआ है, उसमें से भी मैं आधा हिस्सा अगर उसको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। तो यहाँ पर ये सोच करके ये सोचता है कि अब तो सिर्फ ना मैं उसे 5 पाउंड दूंगा, मतलब पहले तो 10 पाउंड दे रहा था, अब बोलता है कि सिर्फ 5 पाउंड उसको दूंगा। फिर थोड़ी देर सोचता है कि 5 पाउंड की भी क्या जरूरत है, मैं सिर्फ उसे 1 पाउंड दूंगा, अगर वहां पर चलता फिरता उस मार्केट में अगर मैं चल गया, मेरी मुलाकात उस शॉपकीपर से हो गई, तो चलते फिरते 1 पाउंड दे दूंगा, 1 पाउंड में उसका गुजारा हो जाएगा, इतना ज्यादा पैसा देने की क्या ही जरूरत है। अब जैसे जैसे सुबह हो जाती है, अब जैसे ही सुबह होती है तो वो बेस्ट फ्रेंड क्या करता है, वो जो बिजनेसमैन था वो क्या करता है, वो एक क्लब चला जाता है, और क्लब जाकर के वो जो जुआ खेलते हैं ना, जो गेम्स होती हैं क्लब के अंदर, तो वहाँ पर जाकर के वो गेम्स खेलने लग जाता है। और जैसे ही वो गेम्स खेलता है तो सारा का सारा जितना भी प्रॉफिट उसने कमाया था उस पेंटिंग को बेचने के बाद में, वो सारा का सारा गेम्स में चला जाता है। अब उसके पास में कोई प्रॉफिट नहीं था, और यहाँ पर आपकी जो स्टोरी है ये कंप्लीट हो जाती है। और ये जो पूरी की पूरी स्टोरी थी ना, ये उस बिजनेसमैन ने अपने राइटर फ्रेंड को बताई थी, और ये जो राइटर है ये हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो स्टोरी है ये कंप्लीट हो जाती है। अब राइटर जो है इस स्टोरी का एक ही कंक्लूजन बताते हैं कि अगर उस बिजनेसमैन ने इतना सोचा नहीं होता, वो सीधा सीधा या तो आधा प्रॉफिट उसको देता या फिर पूरा का पूरा अपने पास रखता, तो ये सब नहीं होता। ये जो कुछ भी उसे लॉस हुआ है इस वाले बिजनेस में भी वो नहीं होता। तो यहाँ पर जो हमारे पोइट हैं, हमारे जो राइटर हैं, वो यही बताते हैं कि हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा सोचने से भी कई बार जो है हमारे काम खराब होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये ऐसे है कंप्लीट हो जाता है। होप्स आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। और वीडियोज़ के लिए आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को, जहाँ पर मैंने इंग्लिश लिटरेचर नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट सेक्शन दोनों में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी और चैप्टर की, किसी और पॉइंट का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में उस चैप्टर का नाम भी कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।